अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि राम जन्मभूमि पर जल्दी राम मंदिर बनाया जाएगा। भारत सरकार मंदिर मुद्दे को सुलझाने में जुटी है। इससे पहले कल मोहन भागवत ने भी राम मंदिर निर्माण को दिवंगत अशोक सिंघल को सच्ची श्रद्धांजलि करार दी थी। राम मंदिर पर राजनीति फिर गर्मा गई है। संघ और बीजेपी नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे को एक बार फिर हवा दे दी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि भारत सरकार राम मंदिर मुद्दे के हल में जुटी है। राम मंदिर वास्तव में अयोध्या में जहां राम जी का जन्म हुआ वहाँ हिंदू धर्मावलंबियों ने बनाया था, आज भी वो मंदिर ही है। भारत की सरकार और वहाँ की जनता प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी वातावरण क्लियर हो, मार्ग प्रशस्त हो और मंदिर निर्माण का काम बने। दरअसल बीजेपी का एक हिस्सा मोदी सरकार पर राम मंदिर मुद्दे की ओर लौटने का दबाव बना रहा है। ये थोड़ा एहसास दिला रहा है कि पार्टी इस वक्त पूर्ण बहुमत में है। यही वो माकूल वक्त है जब संसद में कानून पास करके राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी तो 1.5 साल हुआ है सरकार को बने हुए, आगे देखिए क्या होता है और इसी सरकार में राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इससे पहले सरसंघ चालक मोहन भागवत भी राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे चुके हैं। रविवार को वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा के दौरान भागवत ने मंदिर निर्माण पर अपनी राय रखी और कहा कि राम मंदिर का निर्माण ही अशोक सिंघल को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी। बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था। 30 सितंबर 2010 के ऐतिहासिक निर्णय में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित ढांचे को राम जन्मभूमि माना था। फैसले को चुनौती दी गई और तब से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। संघ और बीजेपी नेताओं के बयानों से राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो उठा है। खुद बीजेपी के लिए भी ये बड़ा सवाल है क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। अब केंद्र सरकार और पार्टी मंदिर मुद्दे पर किस करवट बैठती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।